Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. मैं हूं कौकब फारूकी, सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। जीटीए में शदीद बर्फबारी के बाद सफाई सुथराई का काम, शहरी हुकूमत के मुताबिक सफाई के काम में 14 से 16 घंटे लगे। टोरंटो में कनाडा भर के प्रीमियर्स का इजलास, डॉग फोर्ड कहते हैं कि सूबों में इख्तलाफ मौजूद है लेकिन कनाडा मुत्तहिद है। टोरंटो के मेडिकल ऑफिसर्स का वेपिंग के कानून में तब्दीली का मुतालबा, डॉक्टर्स कहते हैं कि नौजवानों को वेपिंग से रोकने के लिए इकदाम की जरूरत है। कनाडा में गोश्त फराहम करने वाली 3 कंपनियों का लाइसेंस मंसूख, चंद माह कबल गोश्त में मुजरे सेहत अज्जा की मौजूदगी की शिकायत मौसूल हुई थी। व्हाइट हाउस में क्रिसमस की तैयारियों का आगाज, खातून अव्वल ने सजावट का इफ्तिताह कर दिया। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में बर्फ के तूफान के बायस निजाम जिंदगी मुतासर, फ्लाइट मुतासर, हाईवेज पर हादसा में इजाफा हो गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Are you concerned about your future? We invite you to consider Option Canada. I'm a former Canadian Immigration Officer and a senior case analyst, and I've served the Canadian government for 16 years. I provide accurate assessment on every case, and I'll be happy to assist you in making Canada your home. For the past 26 years, we have assisted professionals, business people, senior managers, and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once. Do it right. स्वामी काशी गुरु जी का कहना है कि वो आपकी तमाम समस्याओं का हल जानते हैं। स्वामी काशी गुरु जी इज अ स्पेशलिस्ट इन ब्रिंगिंग बैक योर लव्ड वंस। ही इज स्पेशलाइज्ड टू सॉर्ट आउट जनरेशन कर्सेस एंड एनी प्रॉब्लम विद इन 48 आवर्स। आपके डिप्रेशन, फैमिली कोर्ट प्रॉब्लम्स और बेशुमार मसाइल के हल का दावा करते हैं। स्वामी काशी गुरु जी से राब्ता कीजिए 6477656311 6477656311 एड्रेस 565 मार्कम रोड स्कारब्रो। कुछ बात करेंगे जीटीए भर में शदीद बर्फबारी और बारिश के बाद सफाई सुथराई का काम किया गया। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से जीटीए के मुख्तलिफ इलाकों के लिए जारी मौसमी अलर्ट मंसूख कर दिए गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जीटीए भर में शदीद बर्फबारी और बारिश के बाद सफाई सुथराई का काम किया गया। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से जीटीए के मुख्तलिफ इलाकों के लिए जारी मौसमी अलर्ट मंसूख कर दिए गए। शहर भर की सड़कों से बर्फ को साफ करने के साथ नमक का छिड़काव भी किया गया। शहरी हुकूमत के मुताबिक सफाई के काम में 14 से 16 घंटे लगे। पुलिस के मुताबिक शदीद मौसमी हालात के सबब 500 के करीब गाड़ियों के तसादुम के वाकयात पेश आए। हैमिल्टन और किंगस्टन के इलाकों में शहरियों को बिजली की बंदिश का भी सामना करना पड़ा, जबकि शदीद मौसमी हालात के सबब मुतादिद फ्लाइट्स मंसूख और ताखीर का शिकार हुई। महकमे मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि दर्ज हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड से -2 तक जा सकता है, जबकि शहर में 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कनाडा भर के प्रीमियर्स की जानिब से मुनाकिदा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो से सेहत और मईशत समेत सूबों के अहम उमूर पर गौर करने का मुतालबा किया गया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा भर के प्रीमियर्स की जानिब से मुनक्किदा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो से सेहत और मईशत समेत सूबों के अहम उमूर पर गौर करने का मुतालबा किया गया है। प्रीमियर्स टोरंटो में वफाकी इंतखाबात के बाद पहली बार जमा हुए, जहां उन्होंने माली इस्तेकाम और सूबों की बेहतरी के हवाले से चंद तजावीज पेश की। प्रीमियर्स की जानिब से कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म को सूबों की बेहतरी के लिए सबका अदायगियों पर भी गौर करने की ज़रूरत है। अलबत्ता के प्रीमियर जैसन कैनी का कहना था कि जिन उमूर पर रोशनी डाली गई है वो मौशी मुश्किलात का शिकार लोगों के लिए अहमियत रखते हैं।
हैं। सस्केचुआन के प्रीमियर स्कॉट मो की जानिब से कहा गया कि उन तमाम प्रीमियर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने सूबों की बेहतरी के लिए एक दूसरे की हिमायत की। क्योबेक के प्रीमियर ने कहा कि चंद सूबे जो तेल और वसाइल की कमी के सबब मुश्किलात का शिकार है, हम विफाक से उन सूबों की मदद का मुतालबा करते हैं। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड का कहना था कि कनाडा के 13 सूबों में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कनाडा मुत्तहिद है जबकि हम एक दूसरे के लिए कोशिशें कर रहे हैं और बास मामलात पर एक दूसरे की हिमायत भी करते हैं। टोरंटो से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं टोरंटो के मेडिकल ऑफिसर्स चंद रोज में होने वाले महकमे सेहत के इजलास में वेपिंग को उन कवानीन में शामिल करने का मुतालबा करेंगे जिसमें तंबाकू नोशी पर पाबंदी आयद है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो के मेडिकल ऑफिसर वेपिंग के कवानीन में तब्दीली का मुतालबा कर रहे हैं। चंद रोज में होने वाले महकमे सेहत के इजलास में वेपिंग को उन कवानीन में शामिल करने का मुतालबा करेंगे जिसमें तंबाकू नोशी पर पाबंदी आयद है। टोरंटो पब्लिक हेल्थ की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि डॉक्टर्स को तशवीश है कि वेपिंग सेहत के लिए खतरा है, जबकि हमें इस किस्म का माहौल बनाने की जरूरत है जिसमें नौजवान नस्ल को वेपिंग से रोका जा सके, जबकि ऑन्टेरियो की हुकूमत को इस सिलसिले में इकदाम की जरूरत है। टोरंटो में कानून के मुताबिक किसी भी आवामी इमारत के 9 मीटर तक की हुदूद में तंबाकू नोशी मना है, जिसकी पहली बार खिलाफ वर्जी पर $300 जबकि उसके बाद $5,000 का जुर्माना आयद किया जाता है। डॉक्टर्स की जानिब से कहा गया है कि वेपिंग से इंसान के फेफड़े मुतासर होते हैं, जबकि अमेरिका में 2,000 से जायद अफराद वेपिंग से मुतासर, 47 के करीब अफराद हलाक हुए। कैनेडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी की जानिब से गोश्त फरोख करने वाली 3 कंपनियों के लाइसेंस मंसूख कर दिए गए जिनका गोश्त शिकायत के बाद मार्केट से वापस मंगवा लिया गया था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी की जानिब से गोश्त फरोख करने वाली 3 कंपनियों के लाइसेंस मंसूख कर दिए गए जिनका गोश्त शिकायत के बाद मार्केट से वापस मंगवा लिया गया था। एजेंसी की जानिब से राइडिंग रेजेंसी मीट पैकर्स लिमिटेड और उसके साथ साथ 2 दीगर कंपनी जो सेंट एंड फूड्स के तहत काम कर रही थी और कैनेडियन सेलेक्टेड मीट और बीफ बुटीक लिमिटेड के सेफ फूड बराए कैनेडियन लाइसेंस मंसूख कर दिए गए। इदारे की जानिब से बताया गया है कि मस्कूरा इदारे टोरंटो से ही थे। अब कंपनियों को जानवरों के ज़िबाह करने या गोश्त की मसनुआत तैयार करने की इजाजत नहीं है जिसमें बरामदात और दीगर सूबों या इलाकों को भेजना भी शामिल है। CFIA की जानिब से कहा गया है कि यह फैसला एक तहकीक के बाद किया गया है जो मसनुआत में ईकॉली नामी बैक्टीरिया की मौजूदगी के सबब शुरू की गई थी। कुछ बात कर लेते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। अहलिया मेलानिया ट्रंप ने क्रिसमस की तैयारी का आगाज करते हुए व्हाइट हाउस में की गई सजावट का इफ्तिताह कर दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्रिसमस डेकोरेशन की जारी करदा वीडियो में व्हाइट हाउस में की गई तैयारियों और दिलकश सजावट के मनाजिर फिल्माए गए हैं। व्हाइट हाउस की सजावट में मेलानिया ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की पसंद को मद्देनजर रखा है। अमरीकी खातून अव्वल ने व्हाइट हाउस में क्रिसमस डेकोरेशन के तमाम मामला बड़ी जिम्मेदारी से निभाए और सैकड़ों रजाकारों की मदद से इस सजावट को हतमी शक्ल दी। इस साल क्रिसमस के जश्न में की गई सबसे अहम सजावट में जिंजर ब्रेड से बना व्हाइट हाउस का दिलकश मॉडल, गोल्ड स्टार फैमिली ट्री और मस्नूई बर्फबारी काबिल जिक्र हैं। रवां बरस इस सजावट में अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों से तकरीबन 225 रजाकारों ने हिस्सा लिया और कई घंटों की मेहनत के बाद ये सजावट की गई। क्रिसमस के लिए व्हाइट हाउस को झिलमिल करती रोशनी और क्रिसमस ट्रीज को चारों तरफ कुमकुमों और सुनहरी सितारों से सजाया गया है। अमेरिका की शुमाल वस्ती और शुमाल मशरकी रियासतों में बर्फ के तूफान के बाद निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद होकर रह गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रियासत ओरेगन में 5 करोड़ से ज्यादा अफराद वेदर अलर्ट पर हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका की शुमाल वस्ती और शुमाल मशरकी रियासतों में बर्फ के तूफान के बाद निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद होकर रह गई है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रियासत ओरेगन में 5 करोड़ से ज्यादा अफराद वेदर अलर्ट पर हैं, जबकि न्यूयॉर्क में स्कूल बंद हो चुके हैं और डकोटा से मिशिगन तक मुख्तलिफ हिस्सों में 12 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। अमरीकी मीडिया ने बताया कि बर्फबारी के बाद मुल्क भर में 800 परवाजें मनसूख हो चुकी हैं, जबकि 6,500 परवाजें ताखिर का शिकार भी हुई हैं। बर्फानी तूफान की वजह से टेक्सास में छोटा तैयारा एयरपोर्ट पर गिरकर तबाह होने से 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि न्यूयॉर्क के शहर बफालू में बर्फ के बायस तैयारा रनवे पर फिसल गया। रियासत मैरीलैंड में धुंध के बायस हद-ए-निगाह कम होने से हाईवे पर 25 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। मौसम की सूरतेहाल को मद्देनजर रखते हुए शिकागो की नेशनल वेदर सर्विस ने ट्वीट के जरिए शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत करते हुए धुंध में कम बीम की हेडलाइट इस्तेमाल करने के साथ अपने आगे वाली गाड़ी से फासला रखने की हिदायत भी जारी कर दी। इसी के साथ ही टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैग टीवी।